प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पर हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि हमें एस 51 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। एस 51 का मतलब ये होता है, यहाँ पर एस 51, जब भी हमें योग की बात की जाए तो हम एस उसको समझते हैं, योग का मतलब एस ही होता है। तो एस 51 हमें ज्ञात करना है। तो इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें चूंकि एस 51 ज्ञात करना है तो हम एन की जगह पर 51 यदि रख दें तो हमें मिलेगा 51 बटे दो टू ए और 51 माइनस वन इंटू डी। तो यदि हमें ए और डी के मान भी मिल जाएंगे तो हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो a और d के मान के लिए उन्होंने कुछ आगे लिखा है। इन्होंने बताया है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ से दो समीकरण बनेंगे। यदि दूसरा पद हमें पता है a प्लस डी फॉर्मूला होता है तो ये हमें 14 दिया गया है और तीसरा पद 18 दिया गया है। आप देख सकते हैं दूसरे पद की बात हो रही है इसलिए 14 दिया गया है और तीसरा जो पद है वो हमें 18 दिया गया है। तीसरा पद का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 2d और ये 18। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें d का मान मिलेगा और d का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो a का मान मिलेगा। a और d के मान हम फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें 51 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए ये तो था शॉर्टकट, अब हम इसको सिस्टमेटिक करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वान्तर d है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। अब प्रश्न को पढ़ते जाना है और बड़े ही आराम से सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा था दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14, इसका मतलब ये है कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो चलिए वैसा ही लिख लेते हैं। फर्स्ट शर्त से पहले दूसरा पद 14 दिया गया है तो हम यहाँ पर दूसरे पद को किससे दर्शाते हैं, तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं सबसे पहले दूसरा पद और ये हमें दिया गया है 14, तो हम इसी को लिख लेते हैं कि दूसरा पद हमें 14 दिया गया। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस डी और ये हमें दिया गया है 14, इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। इसके बाद सेकंड शर्त पढ़ लेते हैं, यानी तीसरा पद 18 है तो ये अलग सी एक शर्त है इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं सेकंड शर्त से। और सेकंड शर्त में साफ साफ लिखा है कि तीसरा पद 18 है तो यहाँ पर आपको लिखना है तीसरा पद और इसको कर देना है 18। अब तीसरे पद का फॉर्मूला a प्लस 2d होता है तो हम यहाँ पर a प्लस 2d कर देंगे बराबर 18 और इसको बना देंगे समीकरण दो। अब समीकरण एक व दो को आप घटाओगे तो घटाने से होगा क्या कि ये वाला a जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके गुणांक समान हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक माइनस दो से, यानी एक में से आपको दो घटा देना है। तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं साथ में। तो इस तरीके से दोनों समीकरण, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण लिख लिया है। अब चूंकि घटाना है तो याद रखना है घटाने में क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल देना है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो नीचे वाले समीकरण में सभी पद कौन कौन से हैं, a 2d
और 18, इन तीनों के आपको चिन्ह बदल देना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनके ओरिजिनल चिन्ह कौन से हैं। तो जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो वो प्लस का माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये प्लस का है और यहाँ पर भी ये प्लस का है। तो इसमें आपको गोला लगा के इसका विपरीत चिन्ह, जैसे प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर ए और ए तो कैंसिल हो जाता है, माइनस 2d प्लस डी है तो माइनस का 1d बच जाएगा, बराबर माइनस का 18 है और प्लस का 14 है तो माइनस का 4 बचेगा। 18 में से 14 चले जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो d का फाइनली आपको जो मान मिलने वाला है वो आएगा 4। तो d का मान हम लोग अब समीकरण एक में यदि रख दें, ये समीकरण एक जो है, अगर यहाँ पर d का मान रख देंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे तो जो भी मिलेगा वो a के बराबर आएगा। तो चलिए हम रख देते हैं, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारा है a प्लस डी बराबर 14, तो d का मान कितना है 4, तो a प्लस 4 बराबर 14, तो 4 का पक्षांतर कर देंगे तो a प्लस 14 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, तो आंसर है ये आएगा 10। तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं, तो a का मान 10 आ चुका है और d का मान 4 आ चुका है। अब चूंकि यहाँ पर हमें 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है इसलिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे 51 पदों तक का योग। तो एस 51 बराबर एन बटे दो यानी 51/2, 2 a का मान, तो हम लोगों ने a का मान जो निकाला है हम उसी को रख देते हैं जो कि है 10, और प्लस n माइनस 1 यानी 51-1, और d का मान हम लोगों ने निकाला है 4, तो आप यहां पर रख दोगे 4 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 51/2 ज्यों का त्यों, 10 × 20 प्लस 51 में से एक जाएगा तो आपको मिल जाएगा 50, और यहाँ पर 4, तो 51/2 20, यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 5 × 20 0 ज्यों का त्यों, 200 और 220 टोटल जुड़ जाएंगे 200 और 20, तो आ जाएगा 220 220। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 2 × 2 0 ज्यों का त्यों, तो आएगा 51/110। और फाइनली जब हम इसका गुणा करें तो ये 51/110 56/10 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये SN आ जाएगा। तो श्रेणी के 51 पदों तक का योग जो है वो 56/10 होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू।